हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन मेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेरीविंकल या विंकल रोज के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में कितने सारे फूल लगे हुए हैं और ये साल भर ये प्लांट अपनी फ्लावरिंग करता ही रहता है, इसलिए इसको सदाबहार भी कहते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही ईजी टू ग्रो, मेंटेन एंड एक हार्डी प्लांट भी है। बट हार्डी प्लांट है इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको बिल्कुल केयर एंड मेंटेन नहीं करें, स्पेशली जब ये पॉट में लगा हो, क्योंकि प्रॉपरली अगर केयर एंड मेंटेन नहीं करते हैं तो पत्तियां पीली हो जाती है, फ्लावर ड्रॉपिंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि इसको कैसे केयर करते हैं। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सनलाइट, एक सन लविंग प्लांट है, इसे फुल सन में रखिएगा। और वाटरिंग की जहाँ तक बात करें तो इसे अच्छे से वाटरिंग कीजिएगा, बट ओवर वाटरिंग मत कर दीजिएगा, इससे भी आपकी पत्तियाँ पीली हो सकती है। और अगर आप इसे बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे तो इसके बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेफ साइड रहने के लिए जब भी इसकी टॉप लेयर की सॉइल पूरी तरह से सूख जाए आप इसे पानी दे दीजिए, मॉडरेट वाटरिंग कीजिएगा, ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। सॉइल की जहाँ तक रिक्वायरमेंट है तो मैंने इसे एक सिरामिक पॉट में रखा है, तो थोड़ी सी सैंड, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट भी मिक्स किया है मैंने सॉइल के साथ, और ये अच्छे से इसमें ग्रोथ कर रहा है। इस प्लांट को अपनी ग्रोथ करने के लिए और फ्लावरिंग देने के लिए इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप एवरी मंथ इसे दे दीजिए, तो इससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी। जहाँ तक इंसेक्ट्स की बात करें तो मैंने इस प्लांट्स में किसी भी तरह से इंसेक्ट की ग्रोथ या अटैक के बारे में मैंने अभी तक कुछ नोटिस नहीं किया इसको, बट मैं अपने गार्डन में एवरी मंथ एक नीम ऑयल स्प्रे करता हूँ, तो मैं इसे भी स्प्रे कर देता हूँ, शायद उससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। बट हाँ, एक और चीज़ है कि जब भी आप अपने प्लांट में ड्राई लीव्स और फ्लावर्स लगे हुए हो तो उसे आप रिमूव कर लीजिए, क्योंकि इससे भी इंसेक्ट्स की ग्रोथ हो सकती है। इसकी जो कलर वेरियंस की अगर बात करें तो मेरे पास ये पिंक कलर का है, बट मार्केट में, नर्सरी में आप जाइएगा तो आपको इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर वेरियंट्स भी मिल सकते हैं। मैंने यहाँ लोकल नर्सरी में इसका जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 रुपीज़ का है, बट ये प्लांट मेरे एक टमाटो प्लांट के साथ अपने आप ग्रो हो गया है, तो इस साल भर से मेरे पास है और अभी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ एंड फ्लावरिंग कर रहा है। बहुत ही काफ़ी हेल्दी प्लांट है, मजबूती भी है। इसी के साथ अगर आपको इस प्लांट के बारे में कोई और जानकारी चाहिए या आपको इस प्लांट के बारे में और भी कुछ क्वेरीज हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। Thank you and have a nice day.